Hello and welcome my lovely students. Welcome back to my channel. Learning is never ending. प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में ओ ओखली और औ औरत से पहचान करेंगे. ये दोनों स्वरों को हम इकट्ठा सीखेंगे क्योंकि ये देखने में एक जैसे हैं. ठीक है, चलो शुरू करें. सभी को पता है कोई भी अक्षर, कोई भी नंबर, अल्फाबेट हम सीखने से पहले अपनी रीडिंग को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं. बार बार रीड करने से हमें चीज़ें, बार बार पढ़ने से चीज़ें हमें जल्दी समझ आती हैं. लिखने से पहले उस अक्षर की, उस अल्फाबेट की पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. और वो क्लियर कैसे होगी? रीडिंग से. हाँ जी, आपको रेगुलर रीडिंग करनी चाहिए. चलो फिर शुरू करते हैं. अ छोटा अ, छोटा अ अनार, बड़ा मजेदार. छोटा अ अमरूद. बड़ा आ, बड़ा आ आम. दादाजी सलाम. बड़ा आ आग. ये आ, आ, आप दोनों, आपको इन दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए. छोटे अ को छोटा बोला जाता है और बड़े आ को थोड़ा लंबा बोला जाता है. इ, इ, इमली खट्टी मीठी गोली. इ, इस्त्री. बड़ी से ईक. बड़ी ईक ऊंचा उड़ना सीख. बड़ी ईट, ईंट. छोटी ई. इन दोनों के भी स्वरों में भिन्नता है, इसलिए जब भी पढ़ें ठीक पढ़ें, क्योंकि हिंदी में जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं. अगर आप अभी से ही स्वरों का सही उच्चारण करोगे तो आगे जाकर कभी भी मात्राओं में गलती नहीं करोगे. उ, उ, उल्लू. छोटा उ उल्लू. क्यों रोए बिल्लू? उ उपहार. उ उल्लू. ऊ, ऊन. ऊ ऊंट. बड़े उसे ऊन. मम्मा रही स्वेटर बुन. उ ऊ, ऊ. री से ऋषि. कसुन लो ज्ञान. पढ़ लिख कर सब बनो महान. री से ऋषि. री से ऋतु. सीजन्स को हिंदी में कहते हैं ऋतु. ए, ए एड़ी. छोटी ए से एड़ी. पहनो इसमें जूतों की जोड़ी. छोटी ए एक तारा. ऐ, ऐ ऐनक. ऐसे ऐनक नाक पे चढ़ती, पढ़ने में ये मदद है करती. ऐ ऐरावत. ए, ऐ, ए, ऐ. इन दोनों के स्वरों में भी भिन्नता आपको पता होनी चाहिए. आज हम नए स्वर से पहचान करेंगे और वो है ओ और औ. ओ और औ. अब ध्यान से देखिए, इसे लिखना बहुत जल्दी सीख जाएंगे लेकिन कन्फ्यूजन भी उतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा, ये बड़ा आ बिल्कुल बड़े आ के जैसा है और मात्रा इसमें एक है और औ में दो है. ये चीज़ें बच्चों को आप शुरू से क्लियर रखेंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा. प्यारे बच्चों, आप भी ध्यान दीजिए. ओ में एक मात्रा है और औ में दो मात्राएं हैं. ओ औ. ओ औ. ओ ओखली. ओ से ओखली बड़ी महान. कूटो इसमें सारा सामान. ओ से ओढ़नी. औ औ. औ से औरत का करो सम्मान. इसमें बढ़ती सबकी शान.
अव औरत भी बड़ा आ आम की तरह लिखा जाता है और इसके पीछे वाले डंडे में दो मात्राएं आती हैं और ओ ओखली के पीछे वाले डंडे में एक मात्रा आती है ओ औ ओ औ। ओ से ओखली औ से औरत। आगे भी पढ़ेंगे अंगूर। अंग से अंगूर बेल पे लटके हरे हरे पर पक्के पक्के अंग अंगूठी। आहा खाली बच्चों जोर से मारो ताली। अब हमने अ से अह तक की रीडिंग कर ली है। अब हम चित्रों के साथ ओ और औ में भिन्नता सीखेंगे। चलिए शुरू करें। ओखली और ये है औ औरत। ओ ओखली में एक मात्रा होती है। ओ ओखली में बड़ा आ बना के उसके पीछे एक मात्रा होती है और बड़े ओ औ में इसको औ बोलते हैं और इसको ओ बोलते हैं। औ में दो मात्राएं होती हैं। बड़ा आ आम लिखा जाता है और पीछे वाले डंडे में दो मात्राएं होती हैं औ ओ औ ओ औ। ओ से ओखली औ से औरत। ओ से ओखली औ से औरत। ओ से ओखली बड़ी महान कुटो इसमें सारा सामान। औ से औरत का करो सम्मान इसमें बढ़ती सबकी शान। ओ से औरत का करो सम्मान इसमें बढ़ती सबकी शान। बच्चों आपने घर में बुक रीडिंग बार बार करनी है ओ और औ की और इनमें भिन्नता को आपने जानना है। पहले हम इसे अच्छे से अपने इसकी इमेज को अच्छे से अपने ब्रेन में क्लियर करेंगे, बाद में लिखना सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप और किन टाइप की वीडियो बच्चों के लिए जो वीडियोज़ हैं वो चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वैसे वीडियो लाने की। थैंक यू। बाय बाय।